हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। हम 8th चैप्टर शुरू कर रखा था हमने, जिसमें हमारी 8.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। और 8.2 एक्सरसाइज के अंदर जो आपका टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। थोड़ा सा प्लस वन की स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, अच्छे से आपको याद रखना है। और इसमें यूज जो नया हमने पढ़ा था, उसमें एक तो टेंजेंट का स्लोप था, क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स, नॉर्मल का स्लोप माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन। और एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो, पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डी एक्स अपॉन में डी वाई जीरो। और दूसरा ये बात दिमाग में रखो कि टेंजेंट और नॉर्मल वर्ड स्ट्रेट लाइन की जगह ही काम कर रहे हैं। टेंजेंट तो होता है कर्व पे लाई करने वाले पॉइंट से टच होती हुई स्ट्रेट लाइन, और नॉर्मल होता है उसी पॉइंट से क्रॉस होती हुई ऐसी लाइन जो हमारे टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द स्लोप, टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप पूछा जा रहा है। ये कह रहा है वाई इक्वल टू 3x² माइनस में 4x, ये दे रखा है एट x इज इक्वल टू 2 पे। पता है इस एट x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? आप स्लोप निकालने के बाद जो x आएगा उसकी जगह 2 रखना है, कहीं पहले ही रख दो, फिर तो वो सारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ये कह रहा है टेंजेंट का नॉर्मल का स्लोप बताओ। तो आप पहले याद करो, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है डी वाई बाय डी एक्स, और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है माइनस डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो हम पहले टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं, उसके रेसिप्रोकल का क्या कर देंगे नेगेटिव। सुनो बेटा, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव तो हम पढ़ ही चुके, क्या आएगा 6x - 4। लेकिन ये कह रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो डेरिवेटिव करने के बाद एक्स की जगह 2 रखो, तो 6 × 2 12, और 12 - 4 कितना आया 8। तो टेंजेंट का स्लोप तो है 8, और नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा -1/8, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है। और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए हम उसके रेसिप्रोकल का क्या कर देंगे नेगेटिव। फिर देखो सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू x² - x + 1 एट x इज इक्वल टू 2 पे। कर सकते हो आप इसको, करो dy वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा डेरेटिव 2x - 1। जब x को 2 रखो तो 2 × 2 = 4, 4 - 1 कितना आया 3। तो टेंजेंट का स्लोप तो 3, और नॉर्मल का हो जाएगा -1/3। फिर देखो इसी का थर्ड पार्ट, ये कह रहा है y इज इक्वल टू 2x² प्लस में 3 sin x। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन आए कोस आए टेन आए, हर टाइप का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके। बस आप इतना याद रखो कि टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है। करो डेरिवेटिव 4x + 3, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स। अब इसमें एक्स की जगह क्या रख दो 0। जब एक्स की जगह रखें तो 0 रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो टेंजेंट का स्लोप कितना 3, और नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा -1/3। फिर देखो बेटा इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, दोनों एक जैसे हैं, मैं एक करवा रही हूँ एक आप खुद कर लेना। सेवन्थ चैप्टर में 7.7 एक्सरसाइज को याद करो, पैरामेट्रिक फंक्शन थे उसके अंदर। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या थे? जब एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल में होते थे। जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा और वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा, एक्स और वाई किसी तीसरे वेरिएबल में हैं, और वो तीसरा वेरिएबल हमारा क्या है थीटा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप, यानी कि हमें डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। अच्छे से याद करो, डी वाई बाय डी थीटा को डी एक्स अपॉन में डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाय डी एक्स आएगा कि नहीं आएगा, सीधा लिखवा दो मुझे यहाँ से। डी वाई बाय डी थीटा में देखो ए तो आगे था ही, कॉन्स्टेंट है, 3 आगे आएगा साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन का क्या आ जाएगा कोस थीटा। डी एक्स अपॉन में लिखेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट है, 3 आगे आएगा, कोस की कितनी बार बच गई 2, और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कर दो सोल्व, 3a से 3a कैंसिल, एक साइन की टर्म कैंसिल और एक कोस की टर्म कैंसिल, तो माइनस का टेन थीटा आया। कहता है थीटा को पाई बाई 4 रख दो तो 10 / 45 क्या होता है 1। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आया -1। तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का नेगेटिव यानी कि 1। इसका अगला जो पार्ट है वो आपको खुद करना है बेटा, बिल्कुल सेम ऐसे ही पैरामेट्रिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सुनो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कहते हैं प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या दे दिया
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x प्लस में 6। कहते हैं कि इस कर्व पे जो टेंजेंट है एट द पॉइंट 20, कहते हैं तो 20 पॉइंट पे और एक 30 पॉइंट पे, दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल हैं। अब थोड़ा सा प्लस वन की स्ट्रेट लाइन पे जाओ, अगर हम दोनों पॉइंटों पे अलग अलग स्लोप निकाल लें और उन स्लोप की प्रोडक्ट को माइनस वन दिखा दें, तो जब दो लाइन के स्लोप की प्रोडक्ट माइनस वन आ रही है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी, समझ गया? नहीं, देखो बेटा, पहले तो हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, जो 2x माइनस 5 आएगा, लेकिन एक बार निकालेंगे 20 पे। तो ये बताओ 20 पे जब स्लोप निकालें तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 आया, और एक बार हम निकालेंगे 30 पे, जब 30 पे निकालेंगे तो 6 माइनस 5 क्या आया, 1। तो तुम ये देख लो, एक टेंजेंट तो 20 पे है और एक टेंजेंट 30 पे है, और इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट माइनस 1 आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि जो टेंजेंट्स जो हैं एक 20 पे और एक 30 पे, वो क्या है, राइट एंगल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो अबे क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स, पढ़ चुके हैं हम ये, प्लस वन में पढ़ा, क्या कह रहे हैं, लाइन्स की इक्वेशन की बात कर रहा है। अब इस लाइन की जगह वो टेंजेंट वर्ड भी दे सकता था। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप, स्लोप दे दिया बेटा कितना, माइनस वन। अभी बताओ स्लोप अगर दे दिया तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें पॉइंट और चाहिए। क्या कहते हैं आगे कंडीशन सुनो, कहते दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और जिन लाइंस की बात कर रहे हैं ना वो लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है। क्या मतलब इस कर्व पे टेंजेंट है, भाई ये हमारा कोई भी कर्व है और टेंजेंट हमारे कुछ इस तरह से जा रहे है, इसकी क्या पूछ रहे हैं आपसे इक्वेशन। तो अब सुनो, स्लोप आपके पास है, आपको क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू में एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा हमारे पास एक्स वन वाई वन नहीं है, उस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट नहीं है, वो हमें निकालना है। अब सुनो, एक तो स्लोप उसने दे दिया माइनस वन, हम एक काम कर लेते हैं, एक स्लोप हम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं वो भी टेंजेंट का स्लोप है, उसने जो दिया वो भी टेंजेंट का स्लोप है, निकालो डेरिवेटिव। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो यू अपॉन वी लगाओगे, नीचे क्या गया बेटा, वी स्क्वेयर, मैंने वी बाहर ले लिया, जब यू का डेरिवेटिव करने लगे तो वन का क्या हो जाएगा, जीरो, जब मैंने यू बाहर लिया और एक्स माइनस वन का करें तो वो क्या आएगा, वन, तो माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वेयर। ये भी स्लोप है जो उसने दिया था, वो भी हमारे टेंजेंट का ही स्लोप है, तो दोनों अगर एक ही लाइन के स्लोप हैं तो हम दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं, रख दिया, माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई की तो एक्स माइनस वन का स्क्वेयर किसके बराबर हो जाएगा, वन के, खोलो स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस में टू एक्स इक्वल टू वन, तो वन से वन तो कैंसिल हो गया, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू एक तो आएगी जीरो और एक क्या आएगी, टू। हमें क्या चाहिए, पॉइंट। अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस कर्व में जाएंगे, अगर तुम एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई आएगा कि नहीं आएगा, सुनो बेटा, जब तुमने एक्स को जीरो रखा, जीरो रखा तो जीरो माइनस वन माइनस वन है कि वाई क्या आ गया, माइनस वन, तो एक पॉइंट तो बन गया जीरो माइनस वन। जब तुम एक्स को टू रखोगे तो टू माइनस वन वन, यानी कि वाई क्या आएगा, वन, तो एक पॉइंट हमारा क्या बन गया, टू वन। देखो स्लोप हमारा माइनस वन है, दो पॉइंट आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन आ जाएंगी। पहली इक्वेशन लिख रही हूँ बेटा मैं, वाई माइनस वाई वन, समझ गए आप, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, इक्वल टू स्लोप माइनस वन इंटू में एक्स माइनस एक्स वन जीरो, इसको सोल्व कर देंगे, एक इक्वेशन तो बनेगी ये, दूसरी क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप तो सेम इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, तो ये वो दोनों इक्वेशंस हैं या लाइंस की इक्वेशन है, जिस जो कंडीशन उसने क्या दे रखी थी भी कि स्लोप एक तो उसने दिया और एक हमने निकाल लिया, तो ये आगे लाइंस की इक्वेशन। अब सुनो, इसका जो सेकंड पार्ट अब आपको खुद करना है, उसमें सिर्फ इतना है कि स्लोप क्या दे रखा है, जीरो, आप अपनी तरफ से जो उसने दिया उसमें यू अपॉन वी से डेरिवेटिव करके जो स्लोप आएगा उसको जीरो के बराबर रख के सोल्व करोगे, इस तरह से आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी, एक्स की वैल्यू को वापस कर्व में रखोगे तो वाई आ जाएगा, यानी कि पॉइंट आ जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे, स्लोप उसने दे रखा है, पॉइंट हमें निकाल लेंगे। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट।
अब सुनो बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट समझ गए मतलब आपको इस तरह से पॉइंट निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अब कर्व क्या है, वाई इक्वल टू 3x² माइनस में 12x प्लस में 6। इस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट बताना है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखा है, तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेके चलेंगे, पीछे आपको बताया था। और जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल दे देगा वाई एक्सिस के, तब क्या करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई को जीरो लेके चलना है। कहता है इस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट बताओ, कंडीशन आपके पास क्या है कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या आएगा बेटा, 6x माइनस में 12। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या, कि अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है देन वी टेक डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, 6x माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो बेटा x की वैल्यू 2 आएगी या नहीं आएगी, उसने हमसे पॉइंट पूछा, तो पॉइंट निकालने के लिए आप x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दो, y आएगा कि नहीं आएगा। रखो y इक्वल टू, अब 2 का स्क्वेयर 4, 4 इंटू में 3 तो कितना 12, माइनस में हो जाएगा 24 और प्लस में कितना 6। तो प्लस का तो हमारे पास 18 है और माइनस का 24 है, तो माइनस का क्या आ गया, 6। यानी कि कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट क्या है, 2 माइनस 6। समझ गया यानी, देखो टेंजेंट वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल था, वी नो दैट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको हमने जीरो के इक्वल रख दिया। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बेटा फिर खुद आपको करना है। आप सेम कंडीशन है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, लेकिन वो फंक्शन इम्प्लिसिट है। देखो उसने दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। मैंने जो वर्ड बोला इम्प्लिसिट, ये वर्ड सेवन्थ चैप्टर में आया था, 7.5 एक्सरसाइज में आया था। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो या नहीं, निकाल सकते हो ना। देखो बेटा एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 2 इक्वल टू जीरो। जो डी वाई बाई डी एक्स आए उसको जीरो के इक्वल लेके चल पड़ो, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल दे रखा है। वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू को जो कर्व दिया उसके अंदर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो वाई। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और फिफ्थ जो क्वेश्चन है सेम बिल्कुल फोर्थ की तरह दोनों केस बना दिए उसने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी। तो ये मैं आपको करवा देती हूँ, सुनो। एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस में 2x माइनस में 4y प्लस में 1 इक्वल टू जीरो। एक बार कहता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक बार कहता है टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हम एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, एक बार डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेंगे और पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए डी एक्स अपॉन में डी वाई को जीरो लेंगे। फंक्शन कैसा है, इम्प्लिसिट, करो डेरिवेटिव। एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में 2x का 2 और माइनस में 4y का 4 एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 1 का क्या हो जाएगा, 0। थ्रू आउट मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस में y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस में 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिन दो टर्म्स के पास डी वाई बाई डी एक्स था उसमें से मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और बाकी जो दोनों टर्म थी विदाउट डी वाई बाई डी एक्स उनको राइट साइड भेज दिया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस 2 आया। अब हम फर्स्ट पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। जब उसने पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहा तो हम डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल लेंगे, और हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो उधर जाके 0 हो जाएगी, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x कितना आ गया, 1। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिले उस x की वैल्यू को आप गिवन कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा, y। रखो बेटा x की वैल्यू 1 आई, यहाँ रखेंगे तो 1
प्लस में आ गया वाई स्क्वेयर, माइनस में टू, माइनस फोर वाई, प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया वाई स्क्वेयर माइनस में फोर वाई, माइनस टू प्लस टू कैंसिल हो गया, वाई जब कॉमन लेंगे तो वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो बेटा वाई की दो वैल्यू आ गई जीरो और फोर। तो पॉइंट क्या बनेगा, एक्स जब वन है तो वाई जीरो है, एक्स वन है तो वाई फोर भी है। तो दो पॉइंट आ गए आपके, कब, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जब आप सेकंड पार्ट के लिए काम करोगे तो उसने टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखा है, तो डी एक्स अपोन में डी वाई को जीरो रखेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर ये है तो डी एक्स अपोन में डी वाई क्या बनेगा, वाई माइनस टू अपोन में वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। ये टर्म उधर जाके जीरो हो जाएगी, तो वाई कितना आएगा, टू। जैसे हमें y की वैल्यू मिली, इस y की वैल्यू को हम कर्व के अंदर रखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। रख दो एक्स स्क्वेयर, प्लस में आएगा बेटा 4, माइनस में 2x, यहाँ रखेंगे तो माइनस का 8, प्लस 1 इक्वल टू जीरो। सोल्व कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक बन सकती है, फैक्टर कर लेना, फैक्टर ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मा लगा लेना, आपको क्या मिल जाएगा, पॉइंट। यूँ लगाओ कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपका फोर्थ पूरा का पूरा कवर हो गया। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स, और पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। देखो सिक्स में क्या कहता है, कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ध्यान से सुनो, इस कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट निकालना है। पीछे भी हमने पॉइंट ही निकाला था। कंडीशन क्या थी, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल है टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। दे रखा है स्टेटमेंट के अंदर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वाई के बराबर है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल दे दिया, वाई के। हमें इस कर्व पे लाई करने वाला क्या बताना है, पॉइंट। सुनो बेटा, हमने अपनी तरफ से यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो थ्री एक्स स्क्वेयर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, वाई के। जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके इक्वल दे रखा है इसने, वाई के। अब देखो, ये तो हमारा अपना डी वाई बाई डी एक्स, और इसने क्या कहा, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो यहाँ से मैं थ्री एक्स स्क्वेयर को वाई के इक्वल रख सकती हूँ, बोलो। और दूसरा वाई किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के। तो यहाँ से एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर इन दोनों को इक्वल ले लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन लें तो एक्स माइनस में थ्री आ गया इक्वल टू जीरो, तो एक्स की एक वैल्यू तो आएगी जीरो और एक वैल्यू आएगी थ्री। हमें क्या चाहिए, पॉइंट। फिर वही बात, आपको एक्स या वाई में से जो भी मिले, जैसे ही मिले आप यहाँ कर्व की इक्वेशन के अंदर ले जाके पुट कर दो। बेटा जब आप एक्स को जीरो रखोगे तो वाई भी जीरो आएगा, तो एक पॉइंट तो क्या है, जीरो जीरो। जब आप एक्स को थ्री रखोगे तो वाई 27 आएगा, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 327। ये दो वो पॉइंट हैं जो कर्व पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब सुनो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, यू कह रहा है, ध्यान सुनो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। वही बात फिर पूछ रहे हैं, कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट बताना है। कर्व क्या है, एक्स की पावर थ्री माइनस इलेवन एक्स प्लस में फाइव, एट विच टेंजेंट हैज़ द इक्वेशन। ध्यान से सुन लो, टेंजेंट की इक्वेशन उसने हमें दे दी, या यूँ कह लो उस लाइन की इक्वेशन दे दी जो हमारे कर्व पे क्या है, टेंजेंट। अब ये बताओ, जब हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, तो हम यहाँ से इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, या यूँ कह दो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, और यहाँ से भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, और दोनों के दोनों स्लोप अगर टेंजेंट के हैं तो हम इक्वल लेके चल सकते हैं, यानी क्योंकि और तो बेटा हमारे पास पैरेलल परपेंडिकुलर की कोई कंडीशन है ही नहीं, और पॉइंट तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो फिर कह रही हूँ, हम यहाँ से टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, और ये स्लोप टेंजेंट का ही होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, टेंजेंट की। या तो आप जो मैंने प्लस वन वाला बताया था उससे बता देना, ये बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा, वन होगा, सीधा बता सकते हो, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स का क्या उठाना है, कोफिशियंट, वरना छोड़ दो। टेंजेंट का स्लोप डी वाई बाई डी एक्स होता है, आप इसके अंदर जब डेरिवेटिव करने लगे तो वाई का तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा, वन, यानी कि टेंजेंट का स्लोप वन है। और यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस में इलेवन, ये स्लोप भी तो टेंजेंट का ही है, और अगर दोनों ही स्लोप टेंजेंट के हैं तो हम दोनों को क्या लेके चल सकते हैं, इक्वल लेके चल सकते हैं।
तो यहाँ से आएगा 3x² - 11 इक्वल टू क्या आएगा 1। तो क्या लिखूँ बेटा, 3x² = 12। तो x² = कितना आ गया 4, x की वैल्यू आ गई +-2। जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली, एक बात अब फिर सुनना बेटा, ऐसा नहीं कि आप x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे, हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो हमारे कर्व पे टेंजेंट है। हमें ये पॉइंट चाहिए जो टेंजेंट कर्व का कॉमन पॉइंट है। देखो इस टेंजेंट के पास इस पॉइंट के अलावा इनफाइनाइट मैनी पॉइंट होंगे, हमें वो पॉइंट नहीं निकालने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी यहाँ से जो भी एक्स वाई की वैल्यू आती है वो हमेशा कर्व की इक्वेशन में रखनी है, ना कि लाइन की इक्वेशन में। यहाँ पर आप रखोगे ना तो हमें ये पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई अदर पॉइंट मिलेगा जो सिर्फ इस लाइन पर लाई करेगा, कर्व पर लाई नहीं करेगा। ऐसी गलती नहीं करनी आपको। ये जो वैल्यू आए हमेशा कर में रखो, चाहे कैलकुलेशन कितनी लंबी जाती हो। देखो बेटा, जब हम x = 2 रखेंगे तो y क्या होगा, 2³ = 8, माइनस में आ गया 22 और प्लस में हमारा 5, तो प्लस का तो है 13 और माइनस का 22, तो बेटा माइनस का कितना आ गया हमारा 9 आ गया। तो पॉइंट क्या बनेगा, 2 - 9। दूसरा निकालने के लिए क्या करना, x को -2 रखेंगे, -2 रख के सोल्व कर देना, तो कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, जो आपका टेंजेंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट, जो लाइन और कर्व का कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फिर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 सुनो। यू कहते हैं फाइंड द पॉइंट, फिर आपसे वही पॉइंट पूछ रहे हैं। कर्व क्या दिया, y = x - 3² ध्यान से सुनना, टेंजेंट इज पैरलर टू, टेंजेंट पैरलल है लाइन के, और टेंजेंट जिस लाइन के पैरलल है उस लाइन के पास दो पासिस थ्रो पॉइंट हैं 3·0 और 4·1। तो बेटा टेंजेंट भी तो एक लाइन है, टेंजेंट लाइन के पैरल होने का मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन दोनों को हम क्या लेके चल सकते हैं, इक्वल, क्योंकि दो लाइन अगर पैरल हैं तो स्लोप क्या होते हैं, सेम। तो हमें लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा, और आप याद कर लो लाइन का स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। और टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप यहाँ से आएगा dy/dx, 2 आगे ले लिया x - 3, और x - 3 करेंगे नहीं तो 1 आएगा। तो ये स्लोप तो टेंजेंट का, और ये स्लोप लाइन का, और टेंजेंट लाइन के पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन के। कर दो सोल्व, 2x = ये 6 तो 7 बन गया, x कितना आ गया 7/2। जैसे आपको x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को यहाँ कर्व में रख दो, आपको क्या मिलेगा, y, y यानी कि कर्व पे लाई करने वाला पॉइंट।